उनका तीन दिन का दिहाड़ी मारा जाता है, वो अपना काम छोड़ करके सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस के बाद। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का, आप सभी मीडिया के साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। और दूसरी बात कि आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जन आंदोलनों के एक प्रतीक हैं, आदिवासी अधिकारों को लेकर लड़ने वाले, जल जंगल जमीन को लेकर लड़ने वाले उस महान योद्धा का जन्मदिन के मौके पे मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और यह उम्मीद करता हूँ कि यह देश उनके रास्तों पर चलेगा और जल जंगल जमीन के अधिकार की जो लड़ाई है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाएगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आज पीपल्स फोरम अगेंस्ट NRC को लेकर के एक यात्रा की शुरुआत की गई है बिरसा मुंडा जी के जयंती के मौके पे। इसकी शुरुआत दार्जिलिंग से हुई है और ये अलग अलग जिलों से होते हुए 9 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेगा। और इस मार्च में सभी तरह के लोग शामिल हैं, ये किसी एक दल का मार्च नहीं है, ये किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों का मार्च नहीं है, ये किसी एक जाति या पहचान के लोगों का मार्च नहीं है, बल्कि इस देश से प्रेम करने वाले और इस देश की जो बुनियाद है विविधता में एकता, उस फंडामेंटल्स में बिलीव करने वाले लोगों का यह मार्च है, आम नागरिकों का यह मार्च है। उस मार्च को लेकर के मेरा यहाँ आना हुआ है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ बंगाल का यह इलाका एक ऐतिहासिक इलाका है जहाँ से कई तरह के जन आंदोलनों की शुरुआत हुई है। सिलीगुड़ी उसका एक सेंटर है, वहीं पर हम लोग बात रखने के लिए आए हैं। कई सारे लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या NRC से आपको दिक्कत है। अगर सरकार की मंशा ये है कि वो अपने नागरिकों को काउंट करना चाहती है या अपने नागरिकों को पहचानना चाहती है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहती है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नागरिक को दिक्कत हो। लेकिन असल बात यह है कि सरकार की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं। सरकार की यदि ये मंशा होती तो जब NRC का लिस्ट जारी हुआ आसाम को लेकर के और उसमें सभी धर्म के लोगों का नाम आया, तो सरकार की तरफ से अभी जो देश के मौजूदा गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बयान नहीं आता कि हम मुसलमानों को छोड़ करके बाकी लोगों को नागरिकता दे देंगे। यह अपने आप में एक झूठ है, अपने आप में ये बकवास बात है। बकवास बात इसलिए है कि अगर आप हिंदुस्तान की बुनियाद को देखेंगे, इसका जो नैतिक आधार है, इसका जो आधारभूत मूल्य है, उसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो यह देश किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी इंसान के साथ पहचान के आधार पर कोई भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। और यदि पहचान के आधार पर कोई भेदभाव की जाती है तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि दो अलग अलग धर्म के लोगों ने एक अपराध किया है, हत्या में शामिल हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक धर्म के ऊपर 302 लगेगा और दूसरे धर्म के ऊपर 302 नहीं लगेगा। और यह अपने आप में एक साइंटिफिक चीज़ है कि अगर हमको बुखार हुआ है और मेरा नाम कन्हैया है और मान लीजिए कि इनको बुखार हुआ और इनका नाम कामरान है, तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर हमको पैरासीटामोल दे देगा और इनको सिट्रिजिन दे देगा। दोनों को पैरासीटामोल से ही इलाज करना पड़ेगा। एक ही देश में रहने वाले धर्म के आधार पर अलग अलग नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रश्न ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है या सरकार ऐसा बोल क्यों रही है। सरकार ऐसा इसलिए बोल रही है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में और बंगाल में उनको अपनी राजनीति करने के लिए जमीन की तलाश है और उस जमीन को तैयार करने के लिए इस इलाके को एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के नफरत में जलाने के लिए ये बात बोली जा रही है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की संस्कृति धार्मिक पहचान से ज़्यादा इसकी सामाजिक पहचान है। सामाजिक पहचान, भाषा आधारित पहचान की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि जब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया गया तो वो धर्म उसका आधार नहीं था, भाषा उसका आधार था। बांग्ला भाषा भाषी लोगों ने आंदोलन किया था पाकिस्तान के खिलाफ और फिर भारत की जो मौजूदा सरकार थी उसने भी मदद की और इस तरीके से जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो कई बार हमारी धार्मिक पहचान के साथ साथ हमारी एक सांस्कृतिक पहचान भी होती है, हमारी एक भाषा भाषी पहचान भी होती है। अभी जो बगल में दार्जिलिंग का इलाका है वहाँ जो गोरखा लोगों का मांग है वो धार्मिक आधार के पर नहीं है, वो भाषा भाषी पहचान के आधार पर है। तो यह जो देश है, यह देश एक दिन में नहीं बना है,
इस देश का हजारों साल का इतिहास है, और उस इतिहास में जा करके आज जो हम लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, उस एकता को यदि तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो यह देश कमज़ोर होगा, इस देश की एकता कमज़ोर होगी। लेकिन यह सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि लोगों के वास्तविक सवालों से उनका ध्यान हटा करके जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उसमें उनको उलझा दिया जाए। आप देखिए कि एक तरफ खेतों में मर रहे किसान, सीमा पे शहीद हो रहे जवान, इसीलिए आप दिन भर देखेंगे डिबेटों में हिंदू और मुसलमान। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं, इसका तो किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि घुसपैठिए घुस आते हैं भारत, इसका मतलब ये है कि आप हमारे देश की सीमा के ऊपर शक कर रहे हैं। इस देश की सीमा की जो रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं, आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं। जो समस्या है सीमाओं को सील करने की जो बात है, आप उसके ऊपर जो शासन प्रशासन की कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करके जो नागरिक इसी देश में रह रहे हैं हजारों साल से, अचानक से आप कह रहे हैं कि आप उनको अपना पहचान बताइए। इसमें एक बात हमको आप सोच करके बताइए कि अगर सरकार कहती है कि आप साबित कीजिए कि हम नागरिक नहीं हैं, और हम पलट करके ये कह देंगे कि आप साबित कीजिए कि हम नागरिक नहीं हैं, फिर सरकार कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आएगी? और जहाँ तक डॉक्यूमेंट का टेक्निकल मामला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस देश में करोड़ों लोग, करीब 70-80% लोग ऐसे हैं जिनके पास 60-70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो इस देश में आराम से रह रहे हैं। वो कभी इस बारे में चिंता ही नहीं किए कि कोई ऐसा वक्त आएगा जब हमको हमारे अपने दादाजी के दादाजी का डॉक्यूमेंट ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट का जहां तक टेक्निकल मामला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। झुग्गियों झोपड़ियों में रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले जो लोग हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए वो विस्थापित होकर के, माइग्रेंट होकर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और उनके पास जब रहने के लिए घड़ी नहीं है, उनके पास बैंक का लॉकर नहीं है, उनके पास जो है कोई ऐसा जीवन में अस्थायित्व नहीं है, तो फिर वो अस्थायी डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर के आएंगे? तो जानबूझ करके जोर शोर से यह बात बोली जाती है कि हम घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं। लेकिन जो घुसपैठियों के नाम पे हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने की राजनीति है, उसको जब आप बारीकी से देखेंगे, इसकी गहराई में आप उतरने का प्रयास करेंगे, तो आज जो है ये कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठी हैं, कल कोई अलग अलग पहचान के लोगों को कहेंगे कि ये घुसपैठी हैं, कल को कहेंगे कि ईसाई घुसपैठी हैं, कल को कहेंगे बुद्धिस्ट घुसपैठी हैं, परसों कहेंगे कि जैनी घुसपैठी हैं, फिर कहेंगे कि गोरखा घुसपैठी। इस तरीके की बात जो है वो बोलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये जो लड़ाई है वो किसी एक धार्मिक पहचान की लड़ाई नहीं है, इस देश की सभ्यता संस्कृति, इसके इतिहास, उसको बचाने की लड़ाई है। दादा, इस देश में जो एकता है उस एकता को मजबूत करने की, इस देश को समृद्ध करने की लड़ाई है। आपका ये जो ज्वाइंट फोरम वेस्ट बंगाल में काम कर रही है एंटी एनआरसी, ममता बनर्जी भी तो एंटी एनआरसी कैंपेन चला रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कुछ अलायंस आप लोगों के साथ या फिर ऐसा कुछ? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई का चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। चुनाव को ध्यान में रख करके यह लड़ाई प्रारंभ नहीं की गई है। चुनाव से इतर इस देश में जो एक बहुत बड़ा अराजक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। आप समझिए कि यह जो अफवाह है एनआरसी को लेकर के, वो सिर्फ आसाम बंगाल के इलाकों तक ही सीमित नहीं है। आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप पुणे चले जाइए, आप अलग अलग शहरों में चले जाइए, एक तरह से अफवाह लोगों के बीच में फैल गई है। जो कभी डॉक्यूमेंट की चिंता नहीं करते थे, आज डॉक्यूमेंट बनाने वाले ऑफिसों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और उसमें किसी एक धर्म के लोग नहीं हैं, उसमें सभी धर्म, सभी पहचान के लोग उसमें शामिल हैं। तो यह जो अराजक वातावरण पैदा किया गया है, हर इंसान के मन में डर पैदा कर दिया गया है कि हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, और बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का नाम नहीं है, साहित्य अकादमी जीतने वाले जो बड़े साहित्यकार रहे उनके परिवार का नाम नहीं है, जो सेना में काम करने वाले जवान हैं जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवार के लोगों का नाम नहीं है। तो ये हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी गई है, इसको लेकर के एक अस्पष्ट राय बनाने की ज़रूरत है, एक अस्पष्ट दखल की ज़रूरत है, और सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। सरकार चाहती है कि ये कियोस हो, यह अफवाह का बाजार गर्म हो, और इसके नाम पे राजनीति की जाए,
इसीलिए इस फोरम के जो लोग हैं उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लड़ाई चुनावी राजनीति के लिए नहीं है। जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, मैं यह बात आपको स्पष्ट कर दूं, यह राइट लेफ्ट सेंटर इस तरह का कोई विभाजन इसमें नहीं किया गया है। जो व्यक्ति को भी लगता है कि हिंदुस्तान का बुनियादी आधार, जिसको हम कहते हैं कि यह देश एक बहुलतावादी देश है, जो लोग यह मानते हैं कि यह देश विविधता में एकता वाला देश है, इस मूल्य के को मानने वाले सभी धर्म, सभी पेशे, सभी जात, समुदाय, क्षेत्र, भाषा, बोली और राजनीतिक पहचान के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ममता भी क्या शामिल हो सकती है? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि जो लोग भी यह पूरी की पूरी जो मनसा है समाज को हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति में जलाने का, जो लोग भी इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, मुखर होना चाहते हैं, वो हों। और आप देखेंगे कि इसको लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने भी पोजीशन लिया है। अगर बंगाल की मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के एक पोजीशन ली है और एक तरीके का रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन जो पास किया गया है उसको लेकर के लोगों के बीच में भी काम किया जाना चाहिए। आप किसी भी ऑफिस के बाहर चले जाइए, मैं कोलकाता से नहीं हूँ, लेकिन आप कहीं भी जा कर के देख लीजिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और उसमें जो लोग लगे हुए हैं, जो डरे हुए लोग हैं, वो बहुत कमजोर तबके के लोग हैं। अगर वो 3 दिन ऑफिस का चक्कर लगाते हैं तो उनका 3 दिन का दिहाड़ी मारा जाता है। वो अपना काम छोड़ करके सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस के बाहर लगे रहते हैं। तो सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ममता दीदी की सरकार भी इसको लेकर के काम करेगी तो मोस्ट वेलकम है इस काम के लिए।